हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जया। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद जया। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। आपको सब नोटिफिकेशंस अपडेट्स होते रहेंगे। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई। चिकन फ्राई वैसे तो बहुत तरह के बनाए जाते हैं, लेकिन हम आज घर में बहुत ही सरल तरीके से और आसानी से बन जाने वाला चिकन फ्राई एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। चलो बनाते हैं। चिकन फ्राई बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। इसे अच्छे से दो तीन बार धोकर एक आधा चम्मच नमक डालकर और एक नींबू निचोड़कर फ्रिज में एक आधे घंटे के लिए हमें मैरिनेशन के लिए रख देना है। मैरिनेशन से हमारा चिकन एकदम सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। अब हम खड़े मसाले लेंगे। इसे हमें एकदम बारीक पीस कर रखना है। ये हम पहले तैयारी कर कर रख लेंगे। मैंने थोड़ा दालचीनी लिया है, एक चम्मच जीरा, पांच इलायची, एक 10-12 लवंग, आधा चम्मच काली मिर्च और एक चम्मच शाहजीरा। ये सब मसाले को हमें एकदम बारीक पाउडर बनाकर रख लेना है। देखिए, इस तरह से मैंने एक छोटे जार में सब मसाले, खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसमें दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर डालकर एकदम पाउडर बना के साइड में रख लेना है। अब हम गैस ऑन कर एक पैन रख लेंगे। उसमें हम 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। इसमें हमें थोड़ा तेल ज़्यादा ही लगेगा। और मैंने एक चम्मच घी डाला है, उससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। आप इसे ज़रूर डालिए। जब वो हल्का गर्म हो जाए तब हम उसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। देखिए, जीरा चटकने लग गया है। अब हम उसमें प्याज डाल देंगे। मैंने एक 4 मीडियम साइज प्याज को इस तरह से एकदम बारीक काट लिया है। एक बार इसे आप मीडियम फ्लेम पर चला लीजिए। प्याज हमें अच्छे ब्राउन कलर हुए तक फ्राई कर लेना है। जल्दी फ्राई हो जाए इसलिए मैंने उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया है। नमक ज़्यादा ना डालें, क्योंकि मैरिनेशन में हमने ऑलरेडी आधा चम्मच नमक डाला है। आप इसे अच्छी तरह से ब्राउन हुए तक फ्राई कर लीजिए। देखिए, प्याज हमारे अच्छे सुनहरे कलर के फ्राई हो गए हैं। इसमें हमें थोड़ा प्याज ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि ये चिकन फ्राई है और इसमें हम ना टमाटर डाल रहे हैं ना दही। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और थोड़ा सा करी पत्ता और एक छोटा चम्मच हल्दी। आप इसे अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई कर लीजिए, जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन न जाए। तब तक कच्चा स्वाद बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो टेस्ट नहीं रहेगा। देखिए, अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप एक बार इस तरह से अच्छे से चला लीजिए। अब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। जो नींबू का पानी है वो भी इसमें डाल दीजिए और एक बार आप इसे अच्छी तरह से चला लीजिए। अब हम ढक्कन लगाकर इसे एक 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब हम एक बार इसे खोल कर देख लेते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा पक गया है और थोड़ा सा तेल भी ऊपर आने लग गया है। अब हम इसे फिर से ढककर एक 15 मिनट तक एकदम धीमी आंच पर इसे पकने देंगे। जितना ये धीमी आंच पे पकेगा उतना टेस्टी रहेगा। अब हम इसे एक बार खोल कर देख लेते हैं। देखिए, चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है और एकदम ब्राउन कलर भी उसमें आ रहा है। एक बार इसे आप अच्छी तरह से चला लीजिए और हमारा चिकन भी अच्छे से पक गया है। देखिए, इसमें हम न टमाटर डाल रहे हैं न दही, सिर्फ प्याज, इसलिए हमें इसमें प्याज ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल इस तरह से आप फ्राई कर लीजिए। आप ये सब सिंपल ही करिए। अब हम इसमें जो मसाला पाउडर बना के रखे हैं वो डाल देंगे और एक बार आप इसे अच्छी तरह से चला लीजिए।
एक मिनट तक इसे इसी तरह से आप चला लीजिए। देखिए एकदम ड्राई हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि पानी डालने से हमारे मसाले जलेंगे नहीं और चिकन भी सॉफ्ट एंड जूसी बनेगा। मैंने एक छोटी कटोरी से थोड़ा सा पानी इस तरह से डाल दिया है और एक बार इसे आप चला लीजिए और इसे ढककर एक दो मिनट तक आप पकने दीजिए। सब धीमी आंच पर ही करिए। अब हम एक बार देख लेते हैं। देखिए तेल पूरी तरह से ऊपर आ गया है और चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गया है, लेकिन हमें चिकन फ्राई चाहिए, ग्रेवी बिल्कुल नहीं, इसीलिए हम इसे और फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा कलर ना चेंज हो जाए। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मैंने आधा चम्मच इसमें डाला है। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इस तरह से आप चलाइए और एक 5 मिनट तक इसे एकदम धीमी आंच पर पकने दीजिए। आप इसे ढककर पका लीजिए। अब हम इसे एक बार खोलकर देख लेते हैं। देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है और ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। हमें इसी तरह से चाहिए। देखिए चिकन भी अच्छे से पक गया है और थोड़ा ब्राउन कलर भी आ गया है। हमारा चिकन फ्राई बनकर एकदम तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा धनिया पत्ती डाल देंगे और एक बार आप इसे चला लीजिए और बस 1 मिनट तक आप इसे ढककर पका लीजिए। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे धीमी आंच पर पकाइए। चिकन फ्राई बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनकर तैयार मिलेगा। देखिए हमारा चिकन फ्राई बनकर तैयार है और चिकन भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। देखिए हमारा चिकन फ्राई बनकर तैयार है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको कैसा लगा। बहुत ही टेस्टी चिकन फ्राई बनकर तैयार है। आप इसे स्टार्टर जैसे भी ले सकते हैं और लंच में या डिनर में रोटी और चावल के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने फुल्का और प्लेन राइस के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट चिकन फ्राई बनकर तैयार है, एकदम सॉफ्ट और जूसी। देखिए इस तरह से आप रोटी के साथ सर्व करिए, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा और ज़रूर बनाइए। आप इसे इस तरह से प्लेन चावल के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारा चिकन फ्राई बनकर तैयार है। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। वहाँ ऑल बटन रहेगा, वो भी क्लिक करिए। आपको सब नोटिफिकेशंस अपडेट्स होते रहेंगे। धन्यवाद।